इसके अलावा बहादुरगढ़ पुलिस ने 20 लाख की चोरी की जो गुत्थी थी उसको महज 72 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया। पुलिस ने चोरी की अगर बात की जाए तो इस मामले में जो चोर था उसको गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट में उसको पेश किया गया, 2 दिन की रिमांड पर ले लिया गया है इसको। इस दौरान पुलिस चोर से कैश, सोने और चांदी के जेवर को लेकर भी पूछताछ करेगी। आपको बता दें 15 अप्रैल का यह पूरा मामला था, बहादुरगढ़ के देवनगर में एक प्रॉपर्टी डीलर के यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। जिस वक्त ये वारदात हुई उस समय प्रॉपर्टी डीलर अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शिरकत करने के लिए गया था और पीछे से इस वारदात को अंजाम दिया गया। हमने पास कैमरे चेक करवाए, कैमरों के अंदर हमने गाड़ी सस्पेक्ट मिली, I-10 गाड़ी थी जिसका फेंडर जो था ब्लैक था, और इसमें हमने जो स्थानीय कॉलोनी के लोग थे जिनके घर चोरी हुई थी उनकी मदद से उस गाड़ी को ट्रेस कराया। ट्रेस करने के बाद जो गाड़ी जहाँ मिली तो जो चोर था इसकी फुटेज आ गई थी, उसमें हमने घर चेक करे तो एक घर में ये और एक लेडी जिसके साथ मिली, तो इसने कबूल कराया कि भी मैंने घर में चोरी करी थी और उसकी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 दिन की पुलिस रिमांड।